कि राजा दशरथ के तीन ही रानियां हों, लेकिन ये तीनों रानियां विशेष महत्वपूर्ण थीं उनकी दृष्टि में। वसुदेव जी महाराज की कथा को आपने सुना है, ज्यादातर यही मानते हैं कि उनके देवकी और रोहिणी दो ही रानियां थीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका भी रनिवास था और उनमें अनेक रानियां थीं, लेकिन जिसका कुछ वैशिष्ट्य होता है उसी के नाम की चर्चा होती है। जिसका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है वही अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए हम सीमित संख्या में वसुदेव जी के साथ, महाराजा दशरथ के साथ उनकी रानियों के संबंध में सुनते आ रहे हैं। आज के संबंध में कौशल नरेश ध्रुवजीत की दो रानियां, एक रानी का बेटा है सुदर्शन। सुदर्शन की कहानी यहां पर एक मुख्य नायक के रूप में है। उसका एक सौतेला भाई है। पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ साथ कभी कभी अपने स्वजन संबंधियों और मित्रों की चाह भी जुड़ी हुई होती है। उन दोनों रानियों के जो पिता हैं वो अपने अपने दौहित्र को राज्य दिलाने के प्रयास में है। सुदर्शन का जो नाना है युधाजित के द्वारा पराजित होता है, हार जाता है। सत्ता की लड़ाई अपने अपने ढंग से हमेशा ही चलती रही है। सत्ता की लड़ाई में हमेशा ही कभी बौद्धिक लड़ाई, कभी युक्तियों की लड़ाई और कभी अस्त्र शस्त्र के माध्यम से लड़ाई, ये हमेशा ही चलती रही है। आज भी लड़ाई चलती है। आज है जनमत की लड़ाई, है तो लड़ाई। चुनावी दौर पर कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है। अपने अपने उम्मीदवार के प्रति एक अनुयायियों का बल होता है। उसी कक्षा में सुबाहु एक विशेष पात्र के रूप में आते हैं। सुबाहु काशी नरेश हैं। युधाजित अपने प्रयास में अपने दौहित्र को उत्तराधिकारी बनाने में सफल नहीं हुआ। सुदर्शन को अपना नगर छोड़ करके वनवासी बनना पड़ा। भारद्वाज के आश्रम में उसे अनजाने में एक बीज मंत्र मिला, क्लीम। उस क्लीम का अनुसरण करता हुआ, बच्चे कल बताया था, कभी कुछ अटपटी अनजानी बात सुनते हैं तो उसको बार बार दोहराने लगते हैं कुतूहल से। आश्रम में किसी को क्लीव शब्द कह के पुकारा गया था। सुदर्शन के बाल मन में वह शब्द बैठ जाता है और वह भी बार बार इसको बोलने लगता है और बोलने के साथ ही असहाय था। माँ संस्कार संपन्न थी, बच्चे की अनाथ अवस्था को देखकर महाशक्ति, छोटा सा बच्चा था, ध्यान देना। इसीलिए सज्जनों, बड़ों पर कृपा गुण और दोष की समीक्षा के बाद होती है, इसलिए बड़ों को धीरज भी रखना होगा और अपने आप में इस समझदारी के साथ कृपा पाने का अधिकारी बनाना होगा
कि वह कम से कम गुणवान बने, संस्कारी बने। लेकिन अगर एक बच्चे पर कृपा करना है तो ज्यादा गुण दोष की समीक्षा वहां नहीं होगी। बड़े अगर गलती करते हैं तो उनको अज्ञानी कहने की संभावना कम है। बच्चा गलती करता है तो हम कह देते हैं अज्ञानी है। अज्ञानी और मूर्ख में फर्क है। अज्ञानी वह है जो जानता ही नहीं है, जिसके पास उचित और अनुचित के विश्लेषण की क्षमता नहीं है, उसको हम अज्ञानी कहेंगे। न्याय और अन्याय का जो भेद नहीं कर सकता वह अज्ञानी है। लेकिन मूर्ख वह है जो जानता हुआ भी अनुसरण नहीं करता, समझता हुआ भी उसको अपनाता नहीं है, वह है मूर्ख। किसी बच्चे को जल्दी हम मूर्ख नहीं कहते। जो बौद्धिक अहम रखता है और बौद्धिक अहम रखते हुए भी अपने आप में सही प्रयोग नहीं करता, अपनी बुद्धि का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का, अपनी सुप्त प्रशंसनीय पात्रता का, उसको हमने मूर्ख कहा है। ध्यान देना, इसीलिए बच्चों पर बड़ी जल्दी अनुग्रह देखा गया है। प्रह्लाद पर अनुग्रह हो गया, प्रह्लाद की दृढ़ता थी। ध्रुव पर भगवान का अनुग्रह हो गया। 5 वर्ष का बच्चा और हम 50 वर्ष बीत गए, अभी तक झलक तो नहीं पा सके। 5 वर्ष का बच्चा भगवान का साक्षात्कार पा लेता है, क्योंकि जो देवर्षि नारद ने कह दिया अब उस पर कोई दुविधा नहीं है, भगवान है। हैं ठीक हैं, आप लोग हैं। हमने कहा, फिर दूसरे से पूछेंगे, महाराज जी कहते तो हैं नालायको। गुरु कह रहा है, समर्थ महापुरुष कह रहे हैं, फिर भी आप लोग उसको प्रमाणित करना चाहते हैं। लोग गुरु के दिए हुए मंत्र पर भी दूसरे से प्रमाण पाना चाहते हैं। ऐसे नालायकों को मंत्र के अर्थ का साक्षात्कार कहां होगा। ध्रुव ने जाकर कहीं पर पूछा नहीं कि देवर्षि नारद ने बताया ये बरोबर छे कि नहीं। मंत्र बताया तुम्हारे लिए और उस मंत्र को बता रहे हैं दूसरे को। तुम भी गुरु बनना चाहते हो, ऐसा भी होता है कभी कभी। मंत्र में शक्ति है, लेकिन शक्ति का विस्फोट निश्चित ही होगा एक समय के साथ। अपने अंदर पात्रता लाओ, अपने अंदर विश्वास स्थिर करो, निश्चित ही उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन वह हम कर नहीं पाते हैं, चूक जाते हैं। बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को साक्षात्कार हो गया और हम 50 वर्ष, 50 वर्ष तो क्या है, कितने वर्ष बीत जाएं, जहां के तहां खड़े हैं। क्यों? बच्चे में दुविधा नहीं है, प्रश्न नहीं है, संशय नहीं है, तर्क नहीं है। और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उस श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण हम उसे देख नहीं पाते। और श्रद्धा और विश्वास जहां पर घनीभूत है वहां पर योगी लोग उसका साक्षात्कार पा जाते हैं। आइए आगे बढ़ें। उस बच्चे को उस महाशक्ति ने अपना साक्षात्कार दे दिया। अपना नाना पराजित हुआ युद्ध में और युधाजित की प्रबल सेना को वह सुदर्शन देवी की कृपा से पराजित करता है। अंत में सुबाहु जो काशी नरेश हैं उनकी एक कन्या है, उसके स्वयंवर
का प्रश्न आया। युधाजित सोचता है मेरे दौहित्र के साथ उसका विवाह हो जाए, लेकिन नहीं, उस काशी नरेश की कन्या ने मन ही मन संकल्प किया कि हमें सुदर्शन के साथ शादी करना है। परस्पर संघर्ष के बाद स्वयंवर की लड़ाइयों को आपने सुना है, महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की लड़ाई को आपने सुना है। एक शर्त थी और उस शर्त के साथ भी लड़ाई हुई है। भगवती सीता के स्वयंवर में भी आपने तरह तरह के वीरों की प्रतिस्पर्धा और पराक्रम का प्रदर्शन आपने देखा है, सुना है कथाओं में, लीलाओं में। यह हुआ है तो उस शशकला को पाने में भी देवी की कृपा काम करती है। उस देवी को बाद में सुदर्शन ने अयोध्या में स्थापित किया और उसी देवी को राजा सुबाहु ने काशी में स्थापित किया। आज भी हमें ऐसा लगता है बनारस में जो दुर्गा कुंड है, संभवतः शायद वो इस पौराणिक आख्यायिका कहानी के अनुसार केंद्र रूप में है। आज बनारस महाशक्ति का केंद्र तो है ही, एक विशेष रूप से वहां पर दुर्गा कुंड और दुर्गा शक्ति की मान्यता का क्षेत्र भी है। तो कहते हैं इसी के साथ दुर्गा शब्द जो शास्त्र का था वो हमारे लोक जीवन में प्रचलित हो गया। दुर्गा, दुर्गा शब्द भी बहुत अर्थ रखता है। आप जिस पावन समय में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, यह पावन समय भी दुर्गा पूजा का समय है। नवरात्रि व्रत का यह समय है। नवरात्रि व्रत की बड़ी महिमा है। इस समय में आप कुमारी पूजा को बहुत महत्व के साथ देखा गया है। कुमारी पूजन रता, कुमारी गण सेविता, ऐसा उल्लेख मिलता है। कुमारी पूजन रता, कुमारी गण सेविता, कुमारी पूजन समुत्सका, कुमारी पूजा को देख करके वह बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए सज्जनों, अगर प्रतिदिन कुमारी पूजा कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कम से कम आखिरी दिन कुमारी पूजा जरूर कर लें। कुमारी पूजा को देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि व्रत में नौ कुमारियों की चर्चा की गई है और इस संबंध में आपने सुना है, विशेष रूप से देख लेना। जिसको कम से कम होश है, अनुकूलता प्रतिकूलता का जिसको बोध है, एक वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक कुमारी पूजा का विधान है। उन प्रतिदिन की कुमारी का अपना अलग अलग नाम है, कुमारी, रोहिणी, कल्याणी आदि आदि के रूप में। तो इस कुमारी पूजा और नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान भगवान श्री राम ने भी किया था। जिस समय भगवती सीता का अपहरण हुआ, भगवती सीता की खोज में भगवान श्री राम चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत के साथ ही किष्किंधापुरी, उस क्षेत्र की बात है। एक दिन देवर्षि नारद भगवान श्री राम के साथ पधा, बातचीत करते हैं। बात यह है
देवर्षि नारद उनको भी कुतूहल था। देवर्षि नारद ने भगवान राम की इस लीला के पीछे कारण है। आपने सुना है नारद को एक बार सम्मोहन हो गया। नारद भगवान की उस महिमामयी माया शक्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा जिज्ञासा में आ जाते हैं। माया क्या है, माया क्या है? इस प्रसंग में उनके सामने दो तरह की कथाएं हैं। एक कथा वह है जब वह सोचते हैं कि मैंने बहुत समय भजन कीर्तन में बिताया, ये संसार सब प्रकृति पुरुषात्मक जगत है और उसी का प्रतिनिधित्व लौकिक नारी पत्नी के रूप में और लौकिक पुरुष पति के रूप में, यानी पति और पत्नी के रूप में ही संसार है। क्यों ना मैं इस संसार का अनुभव करूं। इसी के साथ उनके मन में गृहस्थ धर्म के प्रति आकर्षण पैदा हुआ है। चलते चलते कहते हैं ये भगवान की माया थी। एक नगर में गए हैं और उस नगर में राजा के पास गए और राजा ने अपनी पुत्री को उसका भविष्य देखने के लिए सामने प्रस्तुत कर नारद से प्रश्न किया है, इसका भविष्य क्या है? आप सबने सुना है देवर्षि नारद बता रहे हैं, लेकिन उनके अंदर स्वयं एक सम्मोहन पैदा हुआ। उसके भविष्य को बताते बताते लक्षण देखते देखते अपने अंदर एक चाह जग गई कि काश मुझे ये मिल जाए। भगवान नारायण के पास गए हैं, भगवान विष्णु के पास गए हैं। भगवान विष्णु के पास याचना की, मुझे अपना रूप दे दो। भगवान कल्पना करिए, अगर अपना रूप दे देते तो हर्जा क्या था? क्या ये संसार गलत है? लेकिन भगवान के पास नारद गए हैं और नारद के व्यक्तित्व पर ध्यान देना, नारद आतुर होकर के बोलते हैं, जेहि विधि होइ नात हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान कहते हैं ठीक, जेहि विधि होइ नात हित मोरा। ध्यान देना सज्जनों, भगवान यदि अपना रूप दे देते और देवर्षि नारद उस रूप को पाने के बाद